नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम सबको बहुत शौक है उस चीज़ का। तो क्या है वो चीज़ जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं? वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी का शौक हम सभी को है कि नहीं है? तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि सन साइन के हिसाब से कौन सी ज्वेलरी है या कौन से स्टोन है या क्या कलर की ज्वेलरी है जो हमें पहननी चाहिए, जो कि हमारे लिए अच्छी होगी या हमारे लिए लकी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है और मेष राशि के लिए लाल रंग जो है वो अच्छा होता है। तो आप जो है स्पेशली अगर रेड स्टोन का या रेड कलर का ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगी तो वो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। टॉरस यानी कि वृष राशि। टॉरस राशि जो है वो शुक्र की राशि होती है और शुक्र जो है वो कारक भी है ज्वेलरी का। जेवर, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी जो है हम वो शुक्र के से देखते हैं। तो जो टॉरस राशि वाले लोग हैं वो जो है डायमंड स्पेशली, विच आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, सो अगर आप डायमंड ज्वेलरी पहनेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट सन साइन विच इज जेमिनाइन। जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग जो है वो अगर हरे स्टोन की कोई ज्वेलरी पहनेंगे, स्पेशली अगर आप हरे रंग का नेकलेस या हरे स्टोन का कोई नेकलेस पहनते हैं, हरी बीड्स हो सकती है या हरा कोई स्टोन हो सकता है, अगर आप वो पहनेंगे तो आपके लिए इट विल बी लकी। नेक्स्ट साइन इज कैंसर। कैंसर का जो लॉर्ड है वो मून होता है, चंद्रमा होता है। तो आप जो है ऑफ वाइट कलर का, स्पेशली कैंसर साइन के लिए पर्ल्स, मोती जो है वो बहुत ही लकी होते हैं। सो मे बी अ पर्ल स्ट्रिंग विल डू वेरी गुड फॉर यू, या पर्ल की रिंग भी अगर आप पहनेंगे स्पेशली इन सिल्वर तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट राशि जो है वो है सिंह राशि यानी कि लियो। लियो राशि वालों के लिए माणक, जिसे कि हम रूबी कहते हैं, रूबी जो है दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। सो फॉर लियो आप जो है अगर रूबी का जो है नोज पिन अगर स्पेशली पहनेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। इट लुक वेरी नाइस ऑन यू, इट विल ब्यूटिफाई यू ऑल्सो। इट हैज़ यू नो, वेयरिंग अ नोज पिन हैज़ हेल्थ बेनिफिट्स ऑल्सो। तो अगर आप स्पेशली रूबी का नोज पिन पहनेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा एंड इट विल बी लकी ऑल्सो फॉर यू। आफ्टर लियो कम्स वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हैं वो अगर हरे रंग की जो है क्या कहते हैं स्टोन के ज्वेलरी पहने या हरे रंग का कोई पहने, जैसे हरे धागे की भी आप ज्वेलरी पहन सकते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। आप जो है स्पेशली आर्म बैंड, जो बाजू बंद भी जिसे कहते हैं, अगर वो आप हरे रंग का पहनेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि लिब्रा। लिब्रंस जो है उनको फैशन का बहुत ज़्यादा शौक होता है। लिब्रंस आर वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट पीपल। तो अगर आप मल्टी कलर्ड स्टोन्स के ज्वेलरी पहनेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली जो है रिंग्स, अगर आप मल्टी कलर्ड रिंग्स पहनेंगी सो इट विल बी गुड एंड लकी फॉर यू एज वेल। उसकी बात आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिसको हम स्कॉर्पियो कहते हैं, तो स्कॉर्पियो राशि वाले लोग जो होते हैं दे आर सीक्रेटिव पीपल, इज इट, एंड दे आर वेरी इंक्यूजिटिव पीपल ऑल्सो एंड दे रियली लाइक टू एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट में कुछ फंकी ज्वेलरी, नॉट द ट्रेडिशनल ज्वेलरी, अगर आप कुछ फंकी कोई एब्स्ट्रैक्ट ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं सो दैट विल बी वेरी लकी एंड फेवरेबल फॉर यू। स्कॉर्पियो के बाद आते हैं सैजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए अगर वो येलो स्टोन की या येलो या गोल्ड की भी ज्वेलरी पहनते हैं तो उनके लिए लकी रहता है। सो वेयर गोल्ड ज्वेलरी फॉर सैजिटेरियस। देन कम्स केप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नीलम, विच इज अ स्ट्रॉन्ग स्टोन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे ही नीलम नहीं पहन लेना चाहिए, बहुत बड़ा नीलम ना पहने, पर अगर छोटा नीलम हो या ब्लू कलर का कोई और स्टोन हो, आजकल बीड्स भी बड़ी सारी आती हैं ब्लू कलर की, नेकलेसेस आते हैं, आप वेस्ट बैंड भी ब्लू कलर का अगर आप पहनेंगे सो दैट विल बी गुड फॉर यू। देन कम्स एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो है वो थोड़े सिंपल रहना पसंद करते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपेरिमेंटल विथ यू। वेयरिंग स्मॉल ट्रिंकलेट्स, छोटे छोटे ट्रिंकलेट्स पहन सकते हैं, छोटे पेंडेंट पहन सकते हैं, वो जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आप चाहे गोल्ड में या सिल्वर में, दोनों में भी जो है आप छोटी ज्वेलरी पहनेंगे सो इट विल बी नाइस फॉर यू।
नेक्स्ट इज द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडियक पाइसीज यानी कि मीन राशि. मीन राशि वाले जो होते हैं शांत होते हैं, बड़े आराम से काम करते हैं, क्वाइट होते हैं, नेचर लवर्स होते हैं. तो आप जो है ऐसी चीज़ें पहने जो कि नेचर से एक्सट्रैक्ट होती हैं, जैसे कि पर्ल्स है जो नेचर से एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे कि मेटल्स होते हैं जो नेचर से एक्सट्रैक्ट होते हैं. तो अगर आप ऐसी इन सब चीज़ों की ज्वेलरी पहनेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा. आई होप ये जो है इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी. आप ये ज्वेलरी जो है जो मैंने आज आपसे कही है ट्राई करें एंड डू गिव मी योर फीडबैक. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड वॉच हर जिंदगी .com.